नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए दिल्ली दंगों के आरोपी और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम यानी UAPA के तहत दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से मामला दर्ज किया गया है। ताहिर हुसैन दिल्ली के चांदबाग में हुई हिंसा और IB अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड के आरोपी हैं। शर्मा का शव चांदबाग इलाके में एक नाले में मिला था। शर्मा के परिवार ने हुसैन पर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि ताहिर ने इस आरोप को शुरू से ही नकारा है। हालांकि दिल्ली दंगों की साजिश की जांच हो रही है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने ताहिर हुसैन को क्राइम ब्रांच से कस्टडी में लेकर गिरफ्तार किया है। अब ताहिर हुसैन पर UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने 5 मार्च को ताहिर हुसैन की आत्मसमर्पण करने की याचिका ठुकरा दी थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन के खिलाफ 3 केस दर्ज किए गए हैं। दयालपुर थाने में हत्या केस दर्ज किया गया है। इसी थाने में हत्या की कोशिश का दूसरा केस भी दर्ज हुआ है। तीसरा केस खजूरी खास थाने में दंगा करने और आगजनी से जुड़ा है। ताहिर हुसैन के खिलाफ IP की धारा 307, 120B, 34K के तहत FIR दर्ज की गई है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन पर IB कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोप हैं। अंकित की हत्या उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के दौरान हुई थी। ताहिर पर मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई अन्य मामले भी दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APNS।